प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे रुक, टैक्सी को खड़ी तो रहने दे। चलिए चलिए चलिए, आइए चलिए चलिए भाई, सब आ भी गए, चलिए। हाँ एक मिनट। अरे मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं जाता हूँ वापस घर पे, क्या है कि वो टीवी पाएगी ना तभी देख लूंगा, आप लोग आइए आराम से देख के, चलो भाई। अरे भाई उभरो, कैसी बात करते हो, मंदिर तक आए और माथा ना टेके तो कितना खराब लगता है। क्या कुछ भी बोल रही है दया, ये मंदिर थोड़ी है। अगर होता तो दया। ए जेठा चलना चुपचाप। चलिए ना, फिर आइए आइए, चलो चलो। अरे शांति रख, उतर रहा हूँ मैं। चलिए चलिए। हे भगवान, जब अंदर गए तभी मेरे सिर्फ पैर दर्द कर रहे थे, अभी सर भी दर्द कर रहा है। कितनी बार बोला इंटरवल में चलो निकल चलते हैं, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है। अरे ऐसे कैसे निकल जाए, फिल्म में मेरा वीरा सुंदर तो दिखा ही नहीं। अरे हीरो के पीछे भीड़ में कहां से दिखेगा तेरा वीरा। नॉनसेंस, आप कुछ भी कहें, वैसे फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे वाहियत थी, एक नंबर की वाहियत पिक्चर थी। क्या अच्छा क्या था उसमें। अरे वो अच्छा था ना, जब माँ की दोनों आंखें चली जाती है तब उसके दोनों बेटे अपनी एक एक आंखें निकाल कर बर्थडे में माँ को गिफ्ट देते हैं, और बाकी की पूरी फिल्म में दोनों हीरो एक ही आंख से एक्टिंग करते हैं। देखा है ऐसा कहीं? वो मैं भी पूछ रहा हूँ, ऐसा वाहियत कहीं देखा है, कोई पिक्चर में आता है ऐसा नॉनसेंस। ए भाई ए, पूरी रात यही खड़ा रहेगा। अच्छा याद दिले हैं, चलिए जल्दी। ये लो, ये तो अपने वाला ही है टैक्सी, ये भी पिक्चर देखने बैठा था क्या। ओ भाई, हमको जहाँ से लेकर आए थे वहाँ वापस छोड़ दो, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। माफ करो साहब, हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 12 बजे से पेट्रोल पंप और टैक्सी रिक्शा की स्ट्राइक है, सब बंद है। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं मर जाऊंगा। कोई वायदा नहीं साहब, अगर आप मर भी गए ना तो एम्बुलेंस भी नहीं आएगी, क्योंकि पेट्रोल पंप बंद तो सारा शहर बंद। देखा देखा, मैं बोल रहा था नहीं जाते हैं पिक्चर को, नहीं जाता, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अभी बैठो इधर ही हड़ताल खत्म होने तक। अरे क्या बैठो, चल चलते चलते चले जाएंगे। बापूजी चलते चलते मैं ऊपर चला जाऊंगा। अरे रात को ऐसा नहीं बोलते, ऐसे मेरी माँ कहती है। तुम्हारी माँ कभी चुप भी रहती है, हर चीज के लिए उसको कुछ न कुछ कहना होता है। पापा मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मुझे उठा लो ना। हाँ ठीक है बेटा, आजा, ये हाथ पे बापूजी, ये हाथ पे मम्मी, और कंधे पे तू बैठ जा, तुम तीनों को लेके मैं आकाश में उड़ता हूँ। चलो चलो बापूजी, मजा आएगा। ए पागल औरत। अरे तू धीरे धीरे चलना, बस पहुंच जाएंगे। चलिए
कौन से नक्षत्र में तेरा जन्म हुआ है, है? क्या हुआ दादाजी? देख टप्पू देख, इन गरीब जरूरतमंद लोगों को देख, ना इनके पास सर छिपाने के लिए जगह है और ना ही अंग छिपाने के लिए कपड़ा। अरे बेटा, इसीलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और उसके लिए भगवान का उपकार मानना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज के लिए गलत जिद नहीं करनी चाहिए, है? जी दादाजी। दादाजी, मुझे एक आइडिया है। अगर हम इन गरीब लोगों को कंबल दान करें तो? अरे वाह टपुड़ा वाह, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। हम लोग कंबल दान जरूर करें। हाँ बापूजी। टप्पू स्कूल गया? जी बापूजी। अच्छा, जीठा का भी काम था, वो भी दुकान गया होगा? नहीं नहीं, वो तो अंदर सो रहे हैं। क्या? हाँ। जीठा अभी तक सो रहा है? जीठा, है जीठा? जीठा? हाँ बापूजी। अरे कल तक तो सुबह 5:30 बजे उठने के लिए उछल रहा था, आज 10 बज गए फिर भी सो रहा है। बाबू जी, कल रात को चल चल के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सोने दीजिए ना। नहीं नहीं, बस अभी बहुत आराम हो गया। और सुन, कल रात वाली बात याद है ना? हाँ बाबू जी, अभी हम कभी ऐसी फिल्म देखने नहीं जाएंगे। अरे वो वाली बात नहीं, गरीबों में कंबल दान करने वाली बात। अच्छा वो? हाँ वो। मैं क्या कहता हूँ बाबू जी, क्या ऐसा करके हम उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। हाँ, फिर वो लोग पूरी जिंदगी कुछ काम धंधा करेंगे ही नहीं, बस ऐसे फोकट की चीज लेने की आदत पड़ जाएगी उनको। अरे आदत तो तेरी बिगड़ गई है जेठा, जिस काम में फायदा होता है सिर्फ वही काम तू करता है। अरे पेड़ जैसा बनना चाहिए, पेड़ जैसा। पेड़ कैसा, ऐसे आंधी आए तूफान आए ऐसा कड़क धूप में भी ऐसा टट्टा खड़ा रहता है और उसके नीचे जो कोई भी आता है वो उसे छांव देता है, फल देता है, फूल देता है। अरे जेठा, भगवान ने तुझे इंसान का जन्म दिया है तो इंसान बन। एक मिनट बाबूजी, मतलब पेड़ बनूं के इंसान बनूं? समझ गया, कंबल चाहिए ना आपको, मैं दुकान से आते वक्त लेके आऊंगा बाबूजी। और अगर नहीं लाया ना तो घर में घुसने नहीं दूंगा। पेड़ बनूं के इंसान बनूं? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बबीता। दया भाभी है? हाँ है ना, बहु बबीता आई है। आती हूँ बापू जी। बबीता जी, आप आए बाहर आए? क्या मतलब? बबीता जी आप आए तो मैं अंदर से बाहर आई। आया, बोलिए कैसे आना हुआ? मैंने ही बुलाया है। अच्छा, क्या है, बबीता जी को ढोकले बहुत पसंद है तो आज मैं बनाने वाली हूँ तो ये सीखने आए हैं। क्या बात कर रहे बबीता जी, आपको भी ढोकले पसंद है? जी मुझे भी ढोकले बहुत पसंद है, इसीलिए तो ढोकले जैसे हो गए हैं। जीठा जी, आज आप जॉगिंग पे नहीं आए, क्यों? वो बबीता जी थोड़ा, इनका ऐसा ही है, शुरू में बम की तरह फटते हैं और बाद में पुस हो जाते हैं। क्या बोल रही हो दया, इसके सामने क्या बोलना चाहिए मालूम नहीं है कुछ। तो गलत क्या बोल रही है, सही तो बोल रही है बबीता। ये जलेबी फाफड़ा वाला है, ये भागना दौड़ना इसका काम नहीं।
नहीं नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। चल बबीता जी, चलिए हम किचन में जाते हैं। बाय। या भाई, क्या भाई, तू भी जा। थैंक यू बापूजी। अरे कहाँ जा रहे? दुकान पे जा। और सुन, कंबल लाना मत भूलना। नहीं नहीं बापूजी। हाँ ठीक ठीक है। हाँ ओके ओके। हाँ जी शेठ जी, बाहर ज्यादा घरा की तो नहीं है ना? अरे बाहर तो एक काला कौवा भी नहीं उड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे थे? टीवी देखता था। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करना है। हाँ हाँ बोलो। एक 50-60 कंबल खरीदने। शेठ जी 50-60 कंबल? आपको इतनी ठंडी लग रही है, लगता है आपको मलेरिया हुआ है। मलेरिया की ठंडी ऐसी होती है। हो गया आपका, अभी मैं कुछ बोलूं? बोलो। अरे मुझे कोई मलेरिया फलेरिया नहीं हुआ, या गरीबों को दान करने के लिए कंबल मंगाने? तो ऐसा मुझे बोलना चाहिए ना। वो अपने सतीश भाई है ना, उनकी दुकान से मंगा लेना, और बोलना एकदम लास्ट क्वालिटी, सस्ते में सस्ते वाले कंबल चाहिए। सेठ जी आप इतना दान पुण्य करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो फिर मेरे बारे में भी जरा सोचिए ना। ठीक है, उसमें एक कंबल आप ले लेना बस। अरे मुझे कंबल नहीं चाहिए, मैं अपने पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। हैं? मेरा पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मुझसे कुछ कहा? जेठा नालायक, ये क्या, इसमें भी छेद है। मैं जानता था तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ऐसे कंबल लाया है तू? बापूजी ये आजकल के लेटेस्ट टाइप के कंबल निकले है? हाँ, जो गर्मी और ठंडी दोनों में काम आया। ऐसे क्या वो छेद है ना, उसमें से गर्मी के टाइम में हवा आती रहती है, और ठंडी में तो ये कंबल कंबल का काम करता ही है। ए भाई, ए, मैं कोई तेरा ग्राहक नहीं हूँ जो मुझे माल बेचने की कोशिश कर रहा है। और नहीं तो क्या, ऐसे कंबल का तो कोई पोछा भी ना बना है। दया तू चुप रहे। अरे तू चुप रहे बेवकूफ। दान हमेशा नई चीजों का किया जाता है। पुरानी चीजें दान में देना मतलब कचरा बाहर फेंकना, उसे दान नहीं कहते। देखा, सुना आपने, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे नंटू काका। ये सारे कंबल लेने से पहले चेक करके लेने चाहिए ना। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बापूजी इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम सस्ते वाला लेके आना, समझ गए ना, एकदम सस्ते वाले। जेठिया बस अब बहुत हो गया, तू एक काम कर, तू मुझे 10,000 रुपए दे। हाँ। मैं ही कंबल लेकर आऊंगा। हाँ, ये लीजिए बापू। चल टप्पू। हो गई शांति, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। अभी मेरा मुंह क्या देख रहे, ये सब माल सेकंड में निकाल दो। अरे सेकंड का तो लाया हूँ, अब तो इसको कोई थर्ड में भी नहीं लेगा। तो झला दो नटू काका, दूर करो मेरी आंखों के सामने से। लाओ 500 रुपए। क्यों? अरे खर्चा करना पड़ेगा ना, इसको उठा के ले जाना, टैक्सी में रखना, टैक्सी में से उतारना, चलाने के लिए ले जाना, सब खर्चा करना पड़ेगा ना। ये लो। अरे ये ले जाओ यार। अरे हाँ हाँ ले, ले जाओ ले। अरे भाई हमें 100 कंबल लेने हैं। मिल जाएंगे, लेकिन कंबल एकदम अच्छे होने चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के दे दूंगा। ये देखो जी कंबल है तो 110 रुपए का, लेकिन आपने 100 रुपए डालूंगा जी। अच्छा? हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, इतना कितनी भी ठंडी पड़े यह कंबल को चीर के नहीं जा सकती। शेरी अब अच्छा है ना जी? दादाजी ठीक है, तो फिर हम लोग यही कंबल लेंगे। ये कंबल शाम को घर पे भिजवा देना। जी भिजवा। अंकल एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी। पाउडर गली। पाउडर गली। फिल्म सिटी। फिल्म सिटी। गोरेगांव ईस्ट। गोरेगांव ईस्ट। ठीक है बेटा। और ये 100 कंबल के हो गए आपके 10,000 है। हाँ जी। ये लीजिए, ये पूरे 10,000। अरे सेठ जी धन्यवाद। ठीक है।
चल दो। अंकल एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल बेटा। हर कंबल पे मेरा नाम लिखना, टप्पू। टप्पू? अरे बेटा हर कंबल पे टप्पू ही लिखूंगा, फिक्र ही मत कर। एक भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ रख रख। देखो मेरे दादाजी ने 10,000 का खर्चा किया है। टप्पू नहीं बेटा, दान का कभी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और दान का कभी अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अरे दान करना तो इतना सहज होना चाहिए जितना सांस लेना सहज होता है। सॉरी दादाजी। हाँ ए, तुम लोग सब लोग आओगे रात को मेरे साथ कंबल बांटने? हाँ आएंगे। ए भिंडी मास्टर, ये रात को सब बच्चे मेरे साथ कंबल बांटने आने वाले हैं, सोनू भी आए तो तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी आप, मुझे क्यों एतराज होगा? उल्टा आप लेके जाइए बच्चों को, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ तो बच्चों रात को सब लोग खाना खा के घर पे आ जाना है, फिर साथ में कंबल बांटने जाएंगे। दया भाई बहुत भूख लगी है, जल्दी फटाफट खाना निकालो भाई। हाँ अभी देती हूँ खाना। और ये बापूजी और टप्पू दिखाई नहीं दे रहे कहाँ? बापूजी और टप्पू सोसाइटी के सभी बच्चों के साथ कंबल दान करने गए हैं। सोसाइटी के सभी बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है? उनको कुछ हो गया तो उनके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, अरे अच्छे काम में सब अच्छा ही होता है। ऐसा ही सोच के हमारी शादी में मैं घर से निकला था तो अच्छा ही हुआ ना। अरे हाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गई, सुंदर को पता चला कि बापूजी यहाँ पर कंबल दान कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके वो अहमदाबाद में कंबल दान करने का सोच रहा है। उसको कैसे पता चला? तुमने बताया ना? हाँ। वो तेरे भाई सुंदर को बोल कि कंबल दान करने की जगह पे अपने आप को दान में दे दे। हाँ तो उधर पूरा अहमदाबाद और इधर मैं, हम सब सुखी हो जाएंगे। सुंदर दान श्रेष्ठ दान। बस बस रुक जाओ, देखो बच्चों ये लोग कैसे सो रहे हैं। गोगी तुझे टेडी बेयर के बिना नींद नहीं आती ना, और ये बच्चे देख कैसे सो रहे हैं। टप्पू मैं कभी भी पापा से टेडी बेयर के लिए जीत नहीं करूंगा। शाबाश गोगी। भगवान आपको खुश रखे शेर जी। अच्छा गुड नाइट। हाँ भैया गुड नाइट। किसी कवि ने बहुत बढ़िया कहा है कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। ऐसा ही हुआ, चंपक चाचा के दिल में करुणा जागी। सच भी है अगर इंसान में करुणा नहीं है, मानवता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इंसान नहीं है। बात भी कितनी ठीक है, हम लोग जो तमाम सुविधाओं में जीते हैं, सारे के सारे सुख हमारे पास है, लेकिन उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। अगर एक आंख का आंसू हम पहुंचेंगे तो हजार लबों पे मुस्कुराहट दे सकेंगे, और हम यही काम कर रहे हैं, हजारों लाखों लबों पे मुस्कुराहट देना और उठा के देना। अरे हम यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.